चढ़ती कला। फास्ट न्यूज़। सत श्री अकाल जी, चढ़ती कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्ला, एक नज़र मारदे हुण तक दीआं खास खबरां ते। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मस्तुआणा साहिब विखे संत तात सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिज का नींह पत्थर रख्या। 25 एकड़ विच बनने वाले इस इंस्टीट्यूट उत्ते तकरीबन 345 करोड़ रुपए की लागत आउण दा अनुमान है। उन्होंने अधिकारी निर्देश दिता है कि इस वकारी प्रोजैक्ट का काम समाबद्ध तरीके मुकम्मल किया जाए। उन्हें कहा कि इस मैडिकल कॉलेज का काम 31 मार्च 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और अगला अकादमिक सैशन 1 अप्रैल तो शुरू होगा। भगवंत मान ने कहा कि इस प्रोजैक्ट में अकादमिक ब्लाक तो इलावा संगरूर के मौजूदा सिविल अस्पताल 220 बिस्तर तो अपग्रेड करके 360 बिस्तर वाला करन, नर्सिंग स्कूल का निर्माण, सीनियर जूनियर कुड़ियों के मुंडों के होस्टल, विद्यार्थियों लिए खेड ट्रैक, पवेलियन, सहायक गतिविधियों लिए ओपन एयर थिएटर, स्टाफ लिए रिहायश और शॉपिंग कंपलैक्स वर्गियां सहूलत भी इतने मौजूद रहनगियां। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर के बेनड़ा विखे वन महोत्सव मनाया। इस मौके उन्होंने पौधा लगाया तो लोगों को वध तो वध रुख लगाने का संदेश दिता। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि कोविड मौके लोग ऑक्सीजन को तरस रहे सन, जबकि दरख्त ऑक्सीजन का वड्डा स्रोत ने, इसलिए सारे रुख लगाने चाहिए ने। इस मौके उन्होंने पौद्या नाल भरिया ट्रालिया भी रवाना कीतियां। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों हलका धूरी में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्ते पूर्ण पाबंदी संबंधी राज पद्धरी जागरूकता मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके उन्होंने संबोधन करते हुए रेलवे ओवरब्रिज की उसारी लई 15 करोड़, धूरी के सीवरेज सिस्टम को ठीक करने लई 13 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इस दे नाल ही उन्होंने शानदार पार्क के निर्माण लई 2 करोड़ रुपए खर्चने का भी ऐलान किया। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि हर एक पिंड विच बसां चलाईआं जाणगीआं। भगवंत मान ने कहा कि 15 अगस्त को 75 मोहल्ला क्लीनिक जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 90% लोग उन्होंने क्लीनिकों में ही दवाई लेके ठीक हो जाएंगे। लोगों को हुण इलाज लई भटकना नहीं पवेगा। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनों की अदायगी लाभपात्रियों नूं सीधी उन्होंने घरों में होगी। भगवंत मान ने कहा कि इस तरह आटा दाल भी लोगों को उन्होंने घरों में मुहैया करवाया जाएगा। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई हेठ पंजाब नूं प्लास्टिक मुक्त, हरिया भरिया ते रंगला पंजाब बनाउण लई वचनबद्ध है अते इस संबंधी काम तेजी नाल कीता जा रहा है। यह प्रगटावा अज पंजाब दे सिहत अते परिवार भलाई ते मैडिकल सिक्ख्या ते खोज अते चोणां बारे विभागां दे मंत्री सरदार चेतन सिंह जोड़ामाजरा ने किया। सिहत मंत्री, जिला प्रशासन अते पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड वल्लों पंजाब सरकार दे सिंगल यूज प्लास्टिक उत्ते पाबंदी मिशन नूं होर प्रफुल्लित करन लई सरकारी बिक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स विखे करवाए गए जिला पद्धरी जागरूकता प्रोग्राम मौके मुख्य मेहमान वजो शिरकत कर पहुंचे सन। इस मौके सरदार जोड़ामाजरा ने वातावरण को पलीत होने तो बचाने लई प्लास्टिक वस्तां के बदल वजो जू कपड़े, लकड़, दरख्तों के पत्तियां, स्टार्च अते होर पदार्थों तो बने ते रोजाना घरेलू वरतों में आने वाले समान नूं ही वरतण दी सदा दिता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज अपनी रिहायश उत्ते PRTC के ड्राइवर अते कंडक्टर नूं सन्मानित किया। दस दिए कि कुछ दिन पहला संगरूर का एक किसान PRTC की बस में बैठा सी जो कि ट्रैक्टर लैन जा रहा सी। उस कोल पैसा नाल भरिया एक बैग भी सी जिस में 4,30,000 रुपए सन जो कि गलती नाल बस के विच ही भुल गया सी। बस के ड्राइवर अते कंडक्टर ने उस व्यक्ति नूं लभ के उसके पैसे उसके हवाले किए। अज मुख्यमंत्री ने उस ड्राइवर अते कंडक्टर नूं घर बुला के सन्मानित किया। केंद्र सरकार ने धार्मिक ज चैरिटेबल ट्रस्टा वालों चलाईया जा रही सरावान उत्ते वस्तु और सेवा टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिता है। उन्हें कहा कि सरावान उत्ते कोई GST नहीं लगाया गया। केंद्रीय सीधे टैक्स और कस्टम बोर्ड ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट द्वारा धार्मिक स्थानों में किराए उत्ते दिए जाने वाले कमर GST तो छूट दिता है, जिथे कमरे लिए चार्ज की रकम प्रतिदिन 1,000 रुपए तो घट हो। छूट बिना किसी बदलाव के जारी है। दस दिए कि श्रोमणी कमेटी दिन 3 सरावान वालों हूँ तक भरी गई GST की रकम भी रिफंड होगी। दस दिए कि राज्यसभा मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी ने मुद्दा राज्यसभा चुकया सी। पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उन्होंने कोरोना के कोई गंभीर लक्षण विखाई नहीं दिते। उन्होंने लोगों को अपील की है कि जोड़े लोग उन्होंने 1-2 दिनों मिले ने वो अपने आप को अलग थलग कर लैन, हो सके तो अपना कोरोना टेस्ट करवाउण। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने तो बाद उन्होंने ट्वीट किया जिस विच उन्होंने लोगों को यह अपील की है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कामनवैल्थ खेडों में मैडल लैन वाले खिडारी को बधाई देंदे कहा
कि श्रोमणी कमेटी वालों इन्हां खिडारियों का विशेष सन्मान किया जाएगा। उन्हें कहा कि पहला भी श्रोमणी कमेटी अंतरराष्ट्रीय पद्धर उत्ते नामना कटन वाले खिडारियों का नगद राशि देकर सन्मान करती आई है। उन्हें कहा कि श्रोमणी कमेटी अगले दिनों में बंदी सिंह की रिहाई लिए रोस प्रदर्शन करने लिए प्रोग्राम लिखेगी। उन्हें कहा कि 10 अगस्त की आंतरिक कमेटी की बैठक में इस बारे अगला एक्शन लिखा जाएगा, क्योंकि बंदी सिंह की रिहाई लिए केंद्र सरकार को हर बार पहुंच करने के बावजूद इसका कोई हल नहीं कढ़ा जा सके। सो फास्ट न्यूज में अज लिए इन्ना ही, जाते जाते नज़र मारते हैं मौसम के हाल उत्ते। तुसी बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज़।